बदला की राजनीति ना किया करो, हिंसा की राजनीति ना किया करो। आज तक आपने देखा है कि किसी पॉलिटिकल लीडर को लगातार 3 रोज और वो भी 11 घंटे 12 घंटे पूछताछ किया जाते हैं, उनके तिजोरी में कितने सारे सवाल मौजूद है मुझे पता नहीं। लेकिन राहुल गांधी जो जा रहे हैं, हम क्या गुनाह किया? मान लीजिए आपके घर से आपका कोई रिश्तेदार कभी बाहर जा रहे हैं, चाहे ट्रेन पकड़ने के लिए, चाहे एयरपोर्ट में जा रहे हैं, तो घर वाले ने आपको साथ जिनके संपर्क नजदीक करीब है, उन्होंने क्या सीएफ कोने नहीं जाते? सीएफ कोने नहीं जाते? हम लोग कभी माना किया कि राहुल गांधी जी को ईडी दफ्तर जाना माना है, हम ईडी दफ्तर जाने नहीं देंगे, ये तो नहीं कहा हमने। हम लोग क्या क्या कि राहुल गांधी जी जाएंगे एज ए जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी, वो हमारा नेता है, वो नेता जहाँ जाते हैं हम उनको सीएप करने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम चलेंगे उसके उनके साथ। अगर वो गाड़ी में जाए तो जा सकते, हम पैदल जाना चाहते हैं कि ये का अन्याय है, ये का हमारा कानून में इसका कोई सहमति नहीं है, इजाजत नहीं है। और मैंने हम लोग क्या किया, लेकिन फिर भी ये आज की जो तानाशाही की सरकार, ये तानाशाही की सरकार सारे दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिए हैं, और यहां लगातार हमारे खिलाफ, एमपीस के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी की आम कार्यकर्ता के खिलाफ ये लोग लगातार हमला बोले जा रहे हैं। आपको सुनने में हैरान होगी, हमारे महिला लोकसभा की नुमाइंदे और राज्यसभा की नुमाइंदे, उनका पर जिस तरीके से कल अत्याचार हुई है, कुर्ता उनकी बदन से कुर्ता को उखाड़ने की, छेड़ने की कोशिश किए गए हैं, मैं दावे के साथ कह सकते हैं कि आप वीडियो देखिए, हमारे लोकसभा की एमपी ज्योति मोनी जी की, जिनके साथ किस तरीके की घिनौने बरता हुए हैं आपको खुद पता चलेगी। कामिज फाड़ दिए उनकी, कामिज फाड़ दिए, खाने में पानी तक नहीं दिए गए पीने के लिए, खाने की बात छोड़ी दो। और रात में जब वापस घर आई वो सिर्फ रोती रही। अब मेरी बात यकीन के साथ सुन लिया करो, अब खुद जाके देखो कि इस तरीके की अत्याचार करना के हिंदुस्तान की ये अमृतकाल की ये नजारा है। हिंदुस्तान की अमृतकाल को ये मोदी और अमित शाह की सरकार ये जहर काल में तब्दील करने की प्रयास कर रहे हैं, बना रहे हैं। आप खुद देखो, हिंदुस्तान में कभी क्या कोई आंदोलन नहीं होते? हम क्या किसी को कहीं रास्ता रुके, कहीं दफ्तर तोड़ने की तो आंदोलन नहीं किए? हम लोग गांधी जी की दिखाए हुए मार्ग पे शांतिपूर्ण तरीके से हमारा बात रखने की कोशिश किए, ये क्या गुनाह है? मैं सरकार से पूछना चाहते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत।